जय हिंद बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेसेस जो है उनके बारे में समझेंगे। वेक्टर स्पेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, रूल्स हैं, उनको देखेंगे। सबसे पहले मान लिया हम लोगों ने कि वी एफ जो है वो एक वेक्टर स्पेस है। ठीक, वी एफ इज अ वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है, ए डॉट जीरो इक्वल जीरो। ठीक, जहां पर ये ए जो है वो हमारा फील्ड एफ का एलिमेंट है और जीरो जो बोथ साइड पे है, चाहे ये लेफ्ट का जीरो हो चाहे राइट का जीरो हो, वो दोनों ही क्या है, वो डिनोट करते हैं जीरो एलिमेंट ऑफ वेक्टर वी। ठीक, किसी किसी बुक में आप देखेंगे कि ए डॉट जीरो वी इक्वल जीरो वी लिखा हुआ। ठीक, तो ये जो है फिर प्रूफ करते समय ये बार बार लिखना बहुत हेक्टिक होता है, तो इसलिए क्योंकि ये खुद हम आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें पहला एलिमेंट जो होता है वो फील्ड का होता है और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। आप जानते होंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं, एक्सटर्नल ऑपरेशन जो की है, तो उसमें ये एलिमेंट जो होता है वो फील्ड का होता है और ये एलिमेंट जो होता है वो वेक्टर का होता है और ये जो फाइनल बनता है वो भी वी का ही एलिमेंट होता है। ठीक, तो यानी a डॉट जीरो से जो एलिमेंट बनेगा वो भी v के अंदर होगा, तो इसलिए ये एलिमेंट भी v में है और ये भी v में है, दोनों v के अंदर है, ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये बेस पे v लिखना बहुत जरूरी नहीं है। तो a डॉट जीरो यानी ये कहता है कि अगर हम किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी जीरो वेक्टर से तो हमें जीरो वेक्टर ही मिलता है। क्या कहता है कि किसी भी स्केलर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं जीरो वेक्टर से तो हमें फाइनली जीरो वेक्टर ही मिलेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि जीरो डॉट अल्फा इक्वल जीरो। जनरली हम ए बी सी ये नोटेशन जो है वो स्केलर फील्ड के एलिमेंट के लिए लेते हैं, अल्फा बीटा गामा ये हम जनरली वेक्टर स्पेस के लिए लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करें लेकिन जनरली ऐसे ही लिया जाता है। तो यहाँ पर जीरो डॉट अल्फा इक्वल जीरो, तो ये अल्फा जो है ये यहाँ पर वी के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए डॉट अल्फा जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो इस तरह से डिफाइंड है, उसमें ये फील्ड का एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर ये जो जीरो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, फील्ड का एलिमेंट है। तो जीरो ऑन द लेफ्ट इज जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ए डॉट अल्फा वो हम जानते हैं एक वेक्टर होता है, तो यानी ये जो एलिमेंट दिया हुआ है राइट साइड में जीरो वो जीरो वेक्टर है। ठीक, तो इसको किसी किसी बुक में जीरो एफ डॉट अल्फा इक्वल जीरो बी इस तरह भी लिखा जाता है, लेकिन प्रूफ करने में बार बार एफ और बी लिखना कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और आसानी से हम किसी भी स्टेप पे समझ सकते हैं कि जो जीरो है वो फील्ड का एलिमेंट है, जीरो एलिमेंट या वेक्टर का, इसलिए इसे लिखना बहुत जरूरी नहीं है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि जीरो स्केलर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वेक्टर में वी के एलिमेंट में तो हमें जीरो वेक्टर मिलता है। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है ए डॉट माइनस अल्फा इक्वल माइनस ए अल्फा इक्वल माइनस ए डॉट अल्फा, जहां पर ए हमारा फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा जो है वो वी का एलिमेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है कि ए डॉट अल्फा इक्वल जीरो, अगर एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो वेक्टर है, यहाँ पर ये जीरो वेक्टर है, अगर एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट जो है वो जीरो वेक्टर है, ए फील्ड का एलिमेंट है अल्फा वी का एलिमेंट है, तो ये पॉसिबिलिटी तभी है जब या तो एक जीरो हो, या तो स्केलर जीरो हो या तो वेक्टर जीरो। किसी स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो वेक्टर आता है तो एक ही सिचुएशन एक दोनों में से जरूर होनी चाहिए कि या तो वो स्केलर जीरो हो या तो वेक्टर जीरो हो, तभी जीरो वेक्टर हमें मिलेगा। ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि a इंटू अल्फा वन माइनस अल्फा टू इक्वल a डॉट अल्फा वन माइनस a डॉट अल्फा टू। ठीक, सिक्स प्रॉपर्टी है, सिक्स प्रॉपर्टी कहती है a अल्फा इक्वल b अल्फा, अगर a अल्फा इक्वल b अल्फा है जहां पर a और b हमारे फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट है, तो ये इम्प्लाई करता है a इक्वल v अगर अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। अगर अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट है तब भी ए अल्फा इक्वल बी अल्फा आ रहा है, तो यानी इसका मतलब है ए और बी दोनों सेम स्केलर हैं, सेम फील्ड एलिमेंट है फील्ड एफ के। और सेवेंथ कंडीशन हमारा है कि अगर ए अल्फा वन इक्वल्स बी अल्फा टू है, ए अल्फा वन इक्वल ए अल्फा टू, जहां पर ए हमारा फील्ड एफ का एलिमेंट है एंड अल्फा वन अल्फा टू वेक्टर स्पेस वी के एलिमेंट है, तो ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा वन और अल्फा टू सेम है प्रोवाइडेड एक कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a नॉन जीरो स्केलर है और तब भी प्रोडक्ट a अल्फा वन और a अल्फा टू सेम है, मतलब अल्फा वन और अल्फा टू जो है वो अलग अलग नहीं है, डिफरेंट वेक्टर्स नहीं है, सेम वेक्टर्स हैं। ठीक, तो ये हमारी पांचों सातों कंडीशंस प्रॉपर्टीज हैं, इनका प्रूफ भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि कुछ जो रिजल्ट है वो एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं और इन रिजल्ट का हमें आगे भी कई थ्योरम्स में प्रूफ करते समय इन्हें हमें तुरंत तुरंत यूज करना पड़ेगा इन रिजल्ट्स को, इसलिए एक बार इसे देख लेते हैं।
तो प्रूफ में सबसे पहला है हमारा, पहला जो रिजल्ट था वो हमें प्रूफ करना है ए डॉट जीरो इक्वल जीरो, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ए डॉट जीरो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ए डॉट जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट जीरो को हम लिख सकते हैं ए डॉट जीरो प्लस जीरो। ठीक, ये जीरो जो है वो जीरो वैक्टर है। ठीक, तो जीरो वैक्टर इक्वल जीरो वैक्टर प्लस जीरो वैक्टर, ये तो हम लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि जीरो वैक्टर प्लस जीरो वैक्टर क्या होता है, जीरो वैक्टर। तो इस जीरो की जगह हम लिख सकते हैं ए डॉट जीरो प्लस जीरो। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं जीरो प्लस ए डॉट जीरो इक्वल ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो। ये कैसे आया, ये देखिए, ये ए डॉट जीरो जो था इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस ए डॉट जीरो। फिर ध्यान दीजिए ये जीरो वी है। ठीक, ए डॉट जीरो भी हमारा वी का एलिमेंट है, जीरो वी भी वी का एलिमेंट है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे जब जीरो प्लस ए डॉट जीरो, तो वो हमारा किसके बराबर होगा, ए डॉट जीरो के बराबर होगा, क्योंकि ये जीरो एलिमेंट है, ये किसी भी वी के एलिमेंट में ऐड होता है तो हमें वही एलिमेंट वापस मिलता है। तो इसलिए ए डॉट जीरो की जगह हम लिख सकते हैं जीरो प्लस ए डॉट जीरो। अब वेक्टर स्पेस होने के कारण डिस्ट्रीब्यूटिव जो थर्ड कंडीशन था हमारा वी थ्री, उसके अकॉर्डिंग ए डॉट जो है वो वेक्टर एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ से ये और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा जीरो वी इक्वल ए डॉट जीरो वी। ये चाहे तो आप वी नहीं लिखे, सीधे लिख सकते हैं जीरो इक्वल ए डॉट जीरो। क्यों ये लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि वी एक वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस में क्या होता है, वी प्लस एबिलियन ग्रुप बनाता है, और हर एबिलियन ग्रुप में हम जानते हैं लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। तो क्योंकि यहां पर भी ये लेफ्ट वेक्टर स्पेस था तो प्लस के संग एबिलियन ग्रुप बना रहा था, यानी इसमें भी लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड करेंगे। तो ये इस तरह से हमें जो प्रूफ करना था हमें वो रिजल्ट मिल गया। ठीक, सेकेंड रिजल्ट पे आते हैं। सेकेंड रिजल्ट में हमें प्रूफ करना था जीरो डॉट अल्फा इक्वल जीरो। ठीक, जीरो डॉट अल्फा इक्वल जीरो, ये यहाँ पर ये जीरो फील्ड का एलिमेंट है और ये वी का एलिमेंट है। ठीक, तो इसको भी क्या करेंगे हम, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे जीरो डॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं, ये प्रूफ यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा। जीरो डॉट अल्फा को लिख सकते हैं हम जीरो प्लस जीरो अल्फा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ये जो जीरो एलिमेंट आपको दिख रहा था ये जीरो एफ है, तो इसको हम जीरो एफ प्लस जीरो एफ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, यहां पर एफ आपको दिख नहीं रहा है लेकिन ये सारे फील्ड के एलिमेंट है, क्योंकि अगर अल्फा के संग कोई एलिमेंट स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो वो फील्ड का ही एलिमेंट है। ठीक, तो ये भी फील्ड में है, ये भी फील्ड में है, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये एलिमेंट भी जो है वो फील्ड का है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये हमें पता है कि ये फील्ड का एलिमेंट होगा, फील्ड का कह रहे हैं वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा। ए डॉट अल्फा कहाँ होता है, वी में होता है। ठीक, तो ये भी क्या होगा, वी में होगा, इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो डॉट अल्फा। ठीक, तो ये जीरो क्या है, ये जीरो वेक्टर ऑफ वी है, ये भी वी में कोई एलिमेंट है, तो जीरो वेक्टर और इस एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमें वापस यही मिलेगा, तो यानी हम ये लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा फिर वी थ्री कंडीशन जो था डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, उसके अकॉर्डिंग ये अल्फा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों एलिमेंट पे, यानी जीरो डॉट अल्फा प्लस जीरो डॉट अल्फा। ठीक, और फिर राइट कैंसिलेशन लॉस की हेल्प से हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो मिलेगा जीरो इक्वल जीरो डॉट अल्फा। ओके, ये जीरो वैक्टर है हमारा और ये जो है हमारा ये क्या है, फील्ड का एलिमेंट है जीरो अल्फा। ठीक, तो ये इस तरह से सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। थर्ड पे आते हैं, थर्ड कंडीशन में हमें प्रूफ करके दिखाना है। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, थर्ड था ए माइनस अल्फा इक्वल माइनस ए अल्फा इक्वल्स माइनस ए ऑफ अल्फा, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। इसको स्टार्ट करेंगे, इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल जीरो। ये हम जानते हैं कि किसी वेक्टर का एडिटिव इन्वर्स अगर उसमें ऐड होता है तो हमें जीरो वेक्टर मिलता है, ये जीरो एलिमेंट ऑफ वी। ओके, इसी में अगर हम ए डॉट अल्फा प्लस माइनस अल्फा करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे, ए से स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो कुछ इस तरह से हो गया। अभी हम लोगों ने वन वाली कंडीशन में प्रूफ किया कि ए डॉट जीरो इक्वल जीरो होता है, यानी नेक्स्ट स्टेप में यहां हम जीरो लिख सकते हैं जो कि जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो था वी थ्री कंडीशन उससे लिख सकते हैं ए डॉट अल्फा प्लस ए डॉट माइनस अल्फा। ओके, तो ये कोई एलिमेंट है वी का, ये भी कोई एलिमेंट है वी का, और दोनों एड होने पर जीरो एलिमेंट ऑफ वी दे रहे हैं। अगर कोई दो एलिमेंट एड होने पर जीरो एलिमेंट देते हैं तो यानी वो दोनों एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। ओके, तो यानी लिख सकते हैं हम लोग कि ए अल्फा इसका इन्वर्स है और ये जो एलिमेंट है वो इसका इन्वर्स है, यानी ए डॉट माइनस अल्फा इक्वल माइनस ऑफ
ए अल्फा, ये हम लोग लिख सकते हैं। प्रूफ कुछ इस तरह से करके दिखाना था, ठीक है, हमें ये प्रूफ करके दिखाना था। हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूफ किया कि ए माइनस अल्फा इक्वल माइनस ऑफ ए अल्फा, ओके। तो ये पार्ट हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, लेकिन ये जो इक्वालिटी है इसे भी हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ए इक्वल्स जीरो। कोई भी फील्ड का एलिमेंट और उसका इन्वर्स अगर एड होते हैं तो हमें क्या मिलता है, जीरो एलिमेंट मिलता है फील्ड का। अब क्या करेंगे हम, माइनस अल्फा वेक्टर जो है उससे हम राइट हैंड साइड से स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से मिला हमें, ये हमें पता है कि ये जो एलिमेंट है जीरो डॉट अल्फा, ये हम लोगों ने सेकंड वाले पार्ट में प्रूफ किया था कि ये इक्वल होता है जीरो वेक्टर, जीरो वी के। यहां पर ये अल्फा जो है वो राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ए डॉट अल्फा प्लस माइनस ए डॉट अल्फा, ठीक। तो ये भी एक वी का एलिमेंट है, ये भी वेक्टर वी का एलिमेंट है, और हमें ये जीरो एलिमेंट मिल रहा है वी का। तो कोई भी दो एलिमेंट ऐड होने पे जीरो एलिमेंट अगर देते हैं तो वो एक दूसरे के इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, यानी हम लिख सकते हैं माइनस ए डॉट अल्फा इक्वल माइनस ऑफ ए अल्फा, ठीक। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशंस को मिलाकर हम लिख सकते हैं कि ये पार्ट जो हमारा है, ये रिजल्ट, ये पूरी तरह से होल्ड कर रहा है, ठीक। इसके बाद हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें क्या करना था, फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें ये प्रूफ करके दिखाना था कि अगर किसी स्केलर ए और अल्फा का मल्टीप्लिकेशन जो है वो जीरो वेक्टर है, तो या तो ए जीरो होगा या अल्फा जीरो होगा, ठीक। तो हम लोगों ने पहले केस में प्रूफ में हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोगों ने मान लिया कि ए अल्फा जीरो है और यहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। ए फील्ड एफ का एलिमेंट है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब ए क्योंकि फील्ड एफ का एलिमेंट है और वो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो फील्ड की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि हर फील्ड के नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स जो है उसमें एग्जिस्ट करता है, यानी ए इनवर्स भी एफ के अंदर जरूर होगा। अगर ए नॉन जीरो एलिमेंट है एफ का, तो उसका इनवर्स भी एफ के अंदर जरूर होगा। अब इस ए इनवर्स को हम क्या करेंगे, क्योंकि ए इनवर्स फील्ड का एलिमेंट है, तो इससे हम स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं दोनों तरफ। तो ये हम लोगों ने किया, ये रिजल्ट हमें पता है कि कोई भी फील्ड का एलिमेंट लेते हैं और उसको अगर हम जीरो वैक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो वैक्टर मिलता है। ये हम लोगों ने वन कंडीशन में होल्ड करके दिखाया था। तो ए इनवर्स भी तो फील्ड का एलिमेंट है, वो भी क्या करेगा, जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी जीरो वेक्टर भी देगा, ठीक। अब यहां पर एसोसिएटिविटी से ए इनवर्स ए एक साथ आ जाएंगे और अल्फा हमारा इस तरह से हो गया। ए इनवर्स और ए जो है ये मिलकर आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएंगे। ये ए इनवर्स ए को हम लोगों ने ग्रुपिंग इस तरह से किया क्योंकि वी वेक्टर स्पेस है और उसमें क्या था हमारा कंडीशन, वी टू जो था उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा था, ठीक। तो ए इनवर्स ए को एक साथ किया तो ये आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट होते ही ये जब अल्फा में मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा अल्फा, इम्प्लाइज अल्फा इक्वल जीरो, यानी अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो अल्फा कन्फर्म है जीरो वेक्टर होगा अगर प्रोडक्ट ए इंटू अल्फा इक्वल जीरो, ठीक। अब दूसरा केस ले लेते हैं, मान लिया हम लोग ए अल्फा जीरो है और अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है, दोनों में से किसी एक को हमको दिखाना है कि या ए जीरो होगा या अल्फा जीरो होगा। मान लिया अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोगों को प्रूफ करना है ए जीरो होना चाहिए, इस केस में ए जीरो होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक। तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हमें आगे चलकर मिलेगा। अब ए जीरो के इक्वल नहीं है और ए फील्ड का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी यानी एफ के अंदर मिलेगा, यानी इस ए इनवर्स से हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट एंड राइट साइड में इसमें कर सकते हैं, यानी ए इनवर्स ए अल्फा इक्वल ए इनवर्स इंटू जीरो। फिर से एसोसिएटिविटी से यहां पर ए इनवर्स और ए एक साथ होकर आइडेंटिटी हो जाएंगे, यानी अल्फा इक्वल जीरो मिल गया, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हम लोग अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो मान के चले थे, ठीक। तो अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ए को जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा फोर्थ रिजल्ट। फिफ्थ रिजल्ट जो हमारा है उसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि ए इंटू अल्फा वन माइनस अल्फा टू इक्वल्स ए अल्फा वन माइनस ए अल्फा टू। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है। ए अल्फा वन माइनस अल्फा टू को हम कुछ लिख सकते हैं ए इंटू अल्फा वन प्लस माइनस अल्फा टू, चाहे तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और क्योंकि v वेक्टर स्पेस है तो उसमें v3 कंडीशन में जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेक्टर एडिशन पे लेफ्ट साइड से। तो ये जो है लेफ्ट साइड से a डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वेक्टर एडिशन पे, यानी a डॉट अल्फा वन इंटू ए डॉट माइनस अल्फा टू। अभी हम लोग जस्ट रिजल्ट प्रूव करके आए कि a डॉट माइनस अल्फा टू को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ a अल्फा टू, ठीक। और यहां पर है हमारे पास a अल्फा वन, यानी ए अल्फा वन माइनस ए अल्फा टू, यही हम लोगों को प्रूव करना था, ओके। तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद सिक्स्थ कंडीशन है हमारा,
सिक्स कंडीशन में हम लोगों को प्रूफ करना है कि अगर ए अल्फा इक्वल्स बी अल्फा है तो ये इम्प्लाई करता है ए इक्वल बी प्रोवाइडेड अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो. अगर अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है जो कि अल्फा वी का एलिमेंट है, ए और बी फील्ड के एलिमेंट्स है, तो ए और बी आपस में इक्वल होंगे. ओके, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए अल्फा इक्वल बी अल्फा अगर है तो ये इम्प्लाई करता है ए अल्फा प्लस माइनस बी अल्फा इक्वल, दोनों तरफ क्या करेंगे हम माइनस बी अल्फा से ऐड करेंगे, इधर भी माइनस बी अल्फा ऐड करेंगे, इधर भी माइनस बी अल्फा ऐड करेंगे, तो मिलेगा बी अल्फा प्लस माइनस बी अल्फा. ओके, नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ए अल्फा, यहाँ पर माइनस बी अल्फा को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी अल्फा. राइट हैंड साइड में यहाँ पर हमारा बी अल्फा और इसका एडिटिव इन्वर्स जब आपस में एक साथ आएंगे तो मिलेगा जीरो वेक्टर. ओके, ये हो गया हमारा जीरो वेक्टर. ये इम्प्लाई करता है ए माइनस बी इंटू अल्फा इक्वल जीरो वेक्टर. ठीक, और ये इम्प्लाई करता है हमें ए माइनस बी इक्वल्स जीरो, क्योंकि अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है. और हमने अभी फिफ्थ कंडीशन में ही देखा कि अगर एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा. लेकिन क्योंकि अल्फा हम लोग मान के चले हैं कि ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो यानी पॉसिबिलिटी यही है कि ये स्केलर ए माइनस बी इक्वल जीरो हो, और ये इम्प्लाई करता है ए इक्वल बी. ठीक, तो ये रिजल्ट भी हमारा हो गया. नेक्स्ट है हमारा लास्ट रिजल्ट, सेवेंथ रिजल्ट, सेवेंथ प्रॉपर्टी, जो कहती है कि अगर ए अल्फा वन इक्वल बी ए अल्फा टू है, जहां पर ए और बी हमारे क्या है, ए जो है वो हमारा फील्ड का एलिमेंट है, स्केलर है, अल्फा वन और अल्फा टू जो है वो वेक्टर्स हैं, वी के एलिमेंट है. ठीक, तो ये इम्प्लाई करता है कि अल्फा वन इक्वल्स अल्फा टू होगा प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल टू जीरो. अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर अल्फा वन और अल्फा टू सेम होना चाहिए अगर ए अल्फा वन इक्वल ए अल्फा टू. इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, ए अल्फा वन इक्वल ए अल्फा टू है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं ए अल्फा वन माइनस ए अल्फा टू, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं माइनस ए अल्फा टू से माइनस ए अल्फा टू को ऐड कर देना. इस तरफ भी हमने ऐड किया माइनस ए अल्फा टू और राइट हैंड साइड में भी हमने ऐड किया माइनस ए अल्फा टू. तो ये एलिमेंट और उसका एडिटिव इन्वर्स जब ऐड होंगे तो हमें मिलेगा जीरो वेक्टर. यहां पर हम लिख सकते हैं जो हमारे पास एक कंडीशन हमने प्रूफ की थी, इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए अल्फा टू. ठीक, और ये है ए अल्फा वन ऑलरेडी हमारे पास, ये इम्प्लाई करता है ए ऑफ अल्फा वन माइनस अल्फा टू इक्वल जीरो. अब क्योंकि ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने की पॉसिबिलिटी यही है कि ये एलिमेंट हमारा इक्वल जीरो. ये रिजल्ट भी हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया और ये इम्प्लाई करता है अल्फा वन इक्वल्स अल्फा टू. ठीक, इस तरह से सारी जनरल प्रॉपर्टीज जो थी वेक्टर स्पेस की वो हम लोगों ने जो है वो प्रूफ करके दिखा दी. इनका यूज जो है आगे के थ्योरम्स में हम डायरेक्टली करेंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी.